सो so, दोस्तों रिलायंस जियो ने लॉन्च कर दिया है जियो मीट एप्लीकेशन एंड दोस्तों ये जो वीडियो है हम इसमें ये ही पूरे जियो मीट ऐप के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने कि दो मोबाइल की स्क्रीन्स है एक है जिन पे ओम नमः शिवाय का वॉलपेपर है तो ये मोबाइल जो है ये हमारा बन जाएगा टीचर वाला जो जियो मीट है या जो होस्ट करेंगे क्लासरूम की मीटिंग को या क्लासरूम के लेक्चर्स को ये मोबाइल बताएगा एंड दूसरी तरफ जो आप गणपति बापा जी का मोबाइल देख रहे हो वॉलपेपर वाला यहाँ पे मैं आपको स्टूडेंट जब ज्वाइन करता है तो क्या होता है ये हम बताएंगे तो ये दोनों ही मोबाइल आपको ये बताते रहेंगे कि अगर एक टीचर एक लेक्चर ऑन करते हैं तो उनको एग्जैक्टली exactly क्या क्या सेटिंग्स मिलती है मीटिंग के अंदर जाने के बाद एंड अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको यही दूसरे मोबाइल से पता लग जाएगा कि अगर आप जब एक जियो मीट के आप क्लास आप अटेंड करते हो तो आपको अंदर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं Whether आपको साइन इन करने की जरूरत है या नहीं और ढेर सारे स्टफ सो so, दोस्तों चलो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ कम्प्लीटली डिटेल वीडियो ऑन जियोमीट एप्लीकेशन फॉर द टीचर्स एज वेल एज द स्टूडेंट्स अ लाइक सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो दोस्तों सो so, अब हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले जो टीचर वाला मोबाइल है इस पर हम ये जियो मीट ऐप को ओपन कर देते हैं और जैसे कि आप देख सकते हो ये मैंने कर दिया इसे ओपन अब इसमें क्या है दोस्तों कि मैंने ऑलरेडी कर दिया है साइन अप करके साइन इन क्योंकि जब आपको कोई मीटिंग यू नो आपको शुरू करनी है एंड डेट ऑल्सो एज ए टीचर तो इट इज़ ऑलवेज़ प्रेफरेबल कि आप उसमें साइन इन वगैरह कर लो क्योंकि जब आप फिर सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये आपको जो है ये इन सब चीज़ों को एक तरीके से पर्सनलाइज करने का मौका देता है आपका प्रोफाइल फोटो आपका डिस्प्ले एंड आपको साइन अप करने के लिए एक सिंपल सी चीज़ यही करनी है दोस्तों कि आपका जो ई मेल है वो लगेगा एंड आपका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम लगेगा द मोमेंट आप उस पर कंफर्म करोगे तो आप ही के ई मेल आई एक वेरीफिकेशन कोड आ जाएगा आपको वो यहाँ पर एंटर करना है तो आपका प्रोफाइल यहाँ पर बन जाएगा अब मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ दोस्तों कि आपको एज ए टीचर जो है आपको साइन इन करने के बाद ये जो मोबाइल की स्क्रीन है इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं तो ये जैसे कि आप देख सकते हो ये है जियो मीट एप्लीकेशन की होम स्क्रीन यहाँ पे आप जो है आप न्यू मीटिंग आप शुरू कर सकते हो आप किसी मीटिंग में जॉइन कर सकते हो आप चाहो तो एक मीटिंग को स्केड्यूल भी कर सकते हो सो बेसिकली अगर आपके जो लेक्चर्स है अगर वो रोज़ आपको पता है कि भाई इस दिन से मतलब मेरा रोज़ एक ही टाइमिंग है या ये फ्रॉम एंड टू आप यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो एंड यहाँ पर आप देख सकते हो आप इसको रिपीट में भी अच्छा ये कमिंग है नेक्स्ट रिलीज है तो ये नेक्स्ट अपडेट पे आ जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा कि दोस्तों अगर रोज अगर आपके लेक्चर्स नौ से दस मॉर्निंग में आप रखते हो तो यहीं पर आप इसको स्कैड्यूल करके आप इसको सीधा डन करके इसको ऐड टू कैलेंडर वगैरह ये जो भी सारे ऑप्शन है इसमें आप करके आप उसको कर सकते हो सो so, बेसिकली आपको रोज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है रोज़ मीटिंग के इन्वाइट भेजने की जरूरत नहीं है एक बार आपके स्टूडेंट्स के पास वो इनवाइट चले गए रोज ये मीटिंग ऑटोमेटिकली आप नाइन टू टेन ए एम जो आपका डिसाइडेड टाइम है वो आप शुरू कर सकते हो अब जियोवीट एप्लीकेशन की और एक अच्छी बात क्या है दोस्तों कि ये दूसरे ऐप्स की तरह एक यू you नो know, जैसे कि ये पूरा एक फ्री मीटिंग ऐप है राइट और इसमें और एक अच्छी चीज ये है कि आप इसमें मैक्सिमम हंड्रेड पार्टिसिपेंट्स एट द सेम टाइम आप इसमें इंक्लूड करवा सकते हो सो तो आपकी क्लास उनकी कितनी भी बड़ी हो ये बहुत ही काम आ सकता है फिर और एक बात ये है दोस्तों कि इसके अंदर यहाँ पे जो है आप अपनी मीटिंग को 24 फोर आवर्स तक मतलब आपकी जो क्लासेस है वो ऑलमोस्ट 24 फोर आवर्स तक आप इसको चला सकते हो एंड देर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन दिस वन सो ये भी बहुत अच्छी बात है दोस्तों तो चलो अब हम इसे एक बार कर देते हैं कैंसिल फिर यहाँ पे आप शेयर स्क्रीन का ये आप ऑप्शन देख सकते हो ये भी आपको एक ऑप्शन मिलता है कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट अगर आपको किसी ने सेंड की है तो वो आप देख सकते हो यहाँ पे फिर इसमें और एक बढ़िया बात आपको दिखाता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे ये देखिए नीचे ये मीट एंड चैट का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करोगे तो ये तो ये फिलहाल तो ये यही पे है क्योंकि ये इसका होम स्क्रीन है यहाँ पे आपको ये मीटिंग्स वाला सेक्शन आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आपने कोई मीटिंग्स अगर आपने ऑलरेडी स्केड्यूल की है आपने ऐड करके रखी है तो वो भी वो आपको बताते रहेगा फिर यहाँ पर जो है ये आप कॉन्टैक्ट्स पर आप आओगे तो यहाँ पर जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स जो जियो मीट एप्प्लीकेशन पर है वो आपको यहाँ पर शो करते रहेगा यहाँ पे आप और एक चीज़ बहुत बढ़िया कर सकते हो वो ये है कि आप यहाँ पे ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हो सो so, ग्रुप्स जैसे ही आप ये प्लस पे क्लिक करो आप क्रिएट ए न्यू ग्रुप करते हो अब सपोज़ करो कि आपको एक स्कूल का एक ग्रुप बनाना है तो वो आप यहाँ पे आप स्कूल का एक जैसे आपने एक नेक्स्ट करके नेम दे दिया तो वो जैसे ही आप दोगे ना तो वहाँ पर फिर अंदर कितने जियो मीट में आपके कॉन्टेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी मतलब जियो मीट इंस्टॉल करके यूज़ कर रहे हैं तो आपको अंदर आपके स्टूडेंट्स के सारे नाम बता देगा आप सीधा उनको ऐड करके एक अलग एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हो ताकि आप और भी इसे ज्यादा आगे पर्सनलाइज कर पाओ फिर यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिलती है जो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पे है जियो मीट का हेल्प सेक्शन तो ये इसमें आपको सब नॉर्मल क्वेश्चन एंड आंसर्स मिल जाएंगे दोस्तों अब एक काम करते हैं दोस्तों अब एक मैं मीटिंग क्रिएट करता हूँ फ्रॉम दिस मोबाइल सो फ्रॉम द टीचर्स मोबाइल और हम देखते हैं कि एज ए स्टूडेंट इसको कैसे ज्वाइन किया जाए फिर इसमें टीचर्स को क्या फिर इसमें टीचर को क्या फीचर्स मिल जाएंगे एंड एक स्टूडेंट को क्या फीचर्स मिलेंगे जब वो इस मीटिंग में एंटर करते हैं सो so, चलो अब हम ये काम कर लेते हैं दोस्तों सो so, दोस्तों अब एज अ टीचर मुझे क्या करना होगा जब मुझे एक क्लास को इनिशिएट करना है या एक मीटिंग को मुझे इनिशिएट करना है तो तो मैं यहाँ पे करूंगा न्यू मीटिंग पे क्लिक द मोमेंट मैं इस पर क्लिक करूंगा ये देखिए क्या आ रहा है इसमें आ रहा है वीडियो ऑन एंड पर्सनल मीटिंग आई इसके थ्रू भी मैं इन्वाइट कर सकता हूँ बट फिलहाल मैं वीडियो को ऑफ रख लेता हूँ हम करते हैं स्टार्टअप मीटिंग पे क्लिक अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये यह बता रहा है जो है मेरी स्क्रीन यहाँ पे अगर मुझे किसी पार्टिसिपेंट को ऐड करना है तो मैं पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करूँगा यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्कूल टीचर दर इज ओनली वन पार्टिसिपेंट राइट नाउ और मैं खुद ही हूँ जो होस्ट भी बता रहा है अब मैं यहाँ से करूँगा इन्वाइट यहाँ पे इनवाइट करने पे मैं इनवाइट जियो मीट कॉन्टेक्ट से लेके नीचे व्हाट्सैप मतलब आप कैसे भी आप लोगों को शेयर कर सकते हो अपने स्टूडेंट्स को फिर यहाँ पे चलो मैं करता हूँ कॉपी यूआरएल ये करने के बाद मैं इससे बाहर निकलता हूँ व्हाट्सएप ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ दैट आई एम सिंपली गोइंग टू शेयर दिस इनवाइट आईडी टू यू नो द स्टूडेंट्स ऑफ माय स्कूल सो दोस्तों अब ये जो कोड है ये मैं शेयर कर देता हूँ अपने स्कूल स्टूडेंट के व्हाट्सएप पे और देखिए अब ये स्कूल स्टूडेंट को मिल चुका है व्हाट्सएप स्कूल टीचर की तरफ से और यहाँ पे अब स्कूल स्टूडेंट इसको करेगा ओपन अब उसको सिर्फ क्या करना है उसको इस लिंक पे क्लिक करना है एंड मैं कोई चीज बता दू दो दोस्तों कि ये मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे स्कूल स्टूडेंट ने जो है उसने जियो मेट एप्लीकेशन को डाउनलोड तो कर लिया है बट आप देख सकते हो उसने पे साइन साइन अप या इन कुछ भी नहीं किया है तो वो डायरेक्टली जो है वो इस लिंक पे क्लिक करके ही कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस मीटिंग उसके लिए उसको साइन अप करने की कोई जरूरत नहीं है सिर्फ एक स्कूल टीचर को जो है वो सब करके रखे तो ज्यादा अच्छा है सो so, अब यहाँ पे जो है दोस्तों चलो मैं एक बार यहाँ पे जो है नेम थोड़ा सा हमें ध्यान में रहे इसलिए हम स्कूल स्टूडेंट ऐसा ही नेम रखते हैं तो अब ये स्कूल स्टूडेंट जब ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे देखिए पहले तो ये भी यहाँ पे इसको दो ऑप्शन मिलते दैट डोंट कनेक्ट टू ऑडियो एंड टर्न ऑफ माई वीडियो फिलहाल हम टर्न ऑफ माई वीडियो करते हैं और चलो डोंट कनेक्ट ऑडियो भी करते हैं। नहीं तो फिर क्या होगा ये ईको होना शुरू हो जाएगा तो हम यहाँ पे करते हैं जॉइंट मीटिंग अब आप देख सकते हो ये है इसकी प्राइवेसी अब यहाँ पे जब तक ये जो मीटिंग का जो पासवर्ड है ये नहीं एंटर करते तब तक यहाँ पे स्कूल स्टूडेंट को एंटर करने नहीं मिलेगा दोस्तों तो ये बहुत ही एक बढ़िया बात है चलो अब हम इस पासवर्ड को एंटर कर देते हैं ये आप देख सकते हो कि ये जो पासवर्ड है ये केस सेंसिटिव होता है तो आपको उसी हिसाब से यहाँ पे एंटर करना होता है हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं दोस्तों मोमेंट आप यहाँ पे ओके okay, पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो हम इसको पहले कर देते हैं ऑडियो ऑफ नहीं तो ये इको e करेगा तो ये हो गया यहाँ पे स्टूडेंट एंटर और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है स्कूल स्टूडेंट अब यहाँ पे दिखाना शुरू हो गया है अब हम हम इसके जो है एक एक फीचर देख लेते हैं कि जैसे कि ये जो स्कूल के टीचर की या जो टीचर की जो स्क्रीन है इसमें हमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं जियो ऐप पे और यहाँ पे एक स्टूडेंट को क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं जब वो इस क्लास के अंदर एंटर हो गया है ये हम देख लेते हैं दोस्तों तो दोस्तों अब जैसे कि आप देख सकते हो ये है टीचर की स्क्रीन और ये है स्टूडेंट्स की स्क्रीन अब हम सबसे पहले एक टीचर की स्क्रीन देख लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है कि अच्छा सबसे पहले एक आपको एक मेजर आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि नॉर्मली देखिए अगर आप ये दोनों का अगर मैं ये जो आ, आपको मैं स्क्रीन बता तो, दोनों में सारे के सारे ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम है नीचे भी और ऊपर भी तो थोड़े बहुत जो चेंजेस है वो क्या है वो हम देख लेते हैं जैसे कि अभी स्कूल टीचर को जो है और या तो जो होस्ट है मीटिंग के उनको ये ऑप्शंस मिलेंगे कि यहाँ से वो भी, वो ऑडियो को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं वो डिवाइस का ऑडियो रख सकते हैं या स्पीकर रख सकते हैं या मैं फिलहाल इसका ऑडियो ऑफ़ कर देता हूँ फिर और एक जो है उनको ऑप्शन मिल जाता है कि यहाँ पे जैसे ही वो क्लिक करते हैं तो वो मैनुअल ऑडियो मोड में आ जाते हैं यूजुअली इसका कोई ज्यादा कोई यूज नहीं है बट ठीक है फिर यहाँ से अगर आप एंड पे क्लिक करते हो तो या तो एज अ होस्ट आप खुद मीटिंग को लीव कर सकते हो मतलब कि अगर एक क्लास चल रही है अब आप चाहते हो बच्चों को कि भाई आप खुद सब डिस्कस कर लो यू नो आई हैव टू लीव या इट इज़ तो यहाँ से आप सिर्फ लीव मीटिंग पे क्लिक करो तो सिर्फ आप मीटिंग से बाहर जाओगे बट अगर आप एंड मीटिंग फॉर एवरी करोगे तो ये जो क्लास जो जो आपने शुरू की है ये सबके लिए ही फिनिश हो जाएगी फिर यहाँ पे नीचे का ये जो ऑप्शन है म्यूट ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है दोस्तों तो इसको आप म्यूट अनम्यूट आप कर सकते हो ये जब आप बोलते हो तो ये वो वाला ऑप्शन है कि जब आप बोल रहे हो तो इसको म्यूट करना है कि अनम्यूट करना है अगर आप म्यूट करोगे तो ऑब्वियसली आपकी आवाज सामने उन बच्चों को नहीं जाएगी फिर यहाँ पे आप स्टार्ट वीडियो एंड स्टॉप वीडियो कर सकते हो द मोमेंट मैं स्टार्ट वीडियो करूंगा ऑब्वियसली मेरे जो मोबाइल का जो फ्रंट कैमरा है वो ऑन हो जाएगा और ये मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ दोस्तों तो ये आप देख सकते हो अब ये मैंने कर दिया है स्टार्ट वीडियो और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी मैं नज़र आ रहा हूँ और नीचे भी जो है दूसरे मोबाइल में मैं नज़र आ रहा हूँ मतलब कि स्टूडेंट की स्क्रीन पे फिर इसके बाद जो है दोस्तों मैं एज अ टीचर एज अ होस्ट और एक चीज़ बहुत बढ़िया कर सकता हूँ वो ये है कि मैं जो है मैं मेरी स्क्रीन को जो है मैं शेयर कर सकता हूँ ये देखिए दोस्तों तो ये द मोमेंट मैं इसको स्क्रीन शेयर ये मैं शेयर पे क्लिक करता हूँ तो क्या आता है कि जियो मीट विल स्टार्ट कैप्चरिंग एवरीथिंग तो दैट डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन मैं जैसे ही स्टार्ट नाउ पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि ये जो है ये एक अलग ही रूप में आ चुका है अब स्टूडेंट को जो इसमें जो स्क्रीन दिख रही है वो यहाँ पे मैं क्या ऑपरेट करने वाला हूँ वो उनको स्क्रीन वहाँ पे नजर आती है दोस्तों एंड दिस इज सो अमेजिंग दोस्तों ये आप देख सकते हो ये इसको अगर मैं थोड़ा सा भी ऐसे करता हूँ तो ये उनको वहाँ पे नजर आता है सो so बेसिकली मैं जो भी मेरे इस मोबाइल पर मैं चीजें करूँगा वो पूरी स्क्रीन में प्रेजेंट कर सकता हूँ स्टूडेंट्स को अब सपोज करो कि मुझे अगर ये बंद करना है तो मुझे वापस यहाँ पे क्लिक करना होगा यहाँ पे क्लिक करने के बाद मुझे स्टॉप शेयर करना होगा अब दोस्तों ये जो स्क्रीन शेयरिंग का जो ऑप्शन है ना ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है दोस्तों ये इनफैक्ट आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको नॉर्मली भी यूज कर सकते हो कि अगर आप अपने मोबाइल में किसी ऐप में या किसी चीज़ में आप भटक गए हो तो वो आप स्क्रीन शेयर आप कर सकते हो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है दोस्तों सो so, इसके बाद जो है ये पार्टिसिपेंट्स का जो ऑप्शन है इस पर हम कर देते हैं क्लिक और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एज अ टीचर या एज अ होस्ट जो है आपको यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस मिलते हैं वेरी फर्स्ट अमाउंट के यहाँ पे नीचे जो आप देख सकते हो ये है म्यूट ऑल का ऑप्शन द मोमेंट ऑफ म्यूट ऑल पे क्लिक करते हो तो ये करंट एंड न्यू पार्टिसिपेंट्स विल बी म्यूटेड ये आप ऑटोमेटिकली आप यहां से आप इनको म्यूट कर सकते हो एक बार आप सिर्फ होके दबा दो तो ये देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट की स्क्रीन है उस पर आगे नोटिफिकेशन दै द होस्ट एज म्यूटेड ऑल पार्टिसिपेंट्स अब अगर जैसे ही आप अनम्यूट ऑल करोगे तो ऑबली अगेन उसका एक नोटिफिकेशन आ जाएगा अब यहाँ पे जो है आप इंडिविजुअली भी आप स्टूडेंट का जो है वो प्रोफाइल आप टॉगल कर सकते हो एक तरीके से कि भाई यहाँ पे देखिए मैंने क्लिक कर दिया ये स्कूल स्टूडेंट के नाम पे यहाँ पे एक सेकेंड हाँ ये यह देखिए यहाँ पे आ गया यहाँ पे मैं जो हूँ मैं ये कर सकता हूँ कि आज टू स्टार्ट वीडियो पर मैं क्लिक कर दूँ तो स्टूडेंट जो है उसको ये नोटिफिकेशन चला जाएगा कि भाई द होस्ट एस आज यू टू स्टार्ट योर वीडियो अगर वो स्टार्ट में वीडियो पे भी क्लिक कर देगा तो ऑब्वियसली उसका जो फ्रंट कैमरा है वो वीडियो को ट्रांसमिट करना शुरू कर देगा यहाँ पे चलो हम कर देते क्लिक फ़िलहाल कुछ शेयर नहीं करना है और ये जो है यहाँ पे ये ढेर सारी ये सब चीज़ें एज अ स्कूल टीचर एज द होस्ट ऑफ द मीटिंग और क्लासेस वो आप कर सकते हो फिर इसको हम कर देते हैं क्लोज अब यहाँ पे जो है मोर का ऑप्शन आता है मोर के ऑप्शन में आपके पास और जो चीज़ें हैं वो है चैट का ऑप्शन आता है तो जैसे ही आप चैट में आपको टाइप करते हो फॉर एग्जाम्पल हाई तो ये यहाँ से जो है ये चैट रूम में चला गया मैसेज यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेड कलर का नोटिफिकेशन आइकन आ गया स्टूडेंट्स की स्क्रीन पे इसको जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ही आपको चैट का ऑप्शन दिखाता है लाइक like, हाई एंड यू नो इस हिसाब से मतलब टीचर को अगर और कुछ अगर बातें शेयर करनी है तो वो चैट में शेयर कर सकते हैं फिर इसको हम कर देते हैं बैक ऑब्वियसली यहाँ पे स्टूडेंट भी रिप्लाई कर सकते हैं जैसे कि हम दिखा देते कि दिस इज़ लाइक हेलो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सामने हेलो आ गया एंड दिस इज़ अ कॉमन चैट रूम सो यहाँ पे जितने भी यू नो अंदर स्टूडेंट्स हैं एंड टीचर है वो सबको ये कॉमन मैसेजेस दिखते रहेंगे फिर और एक चीज़ है विच इज़ मीटिंग सेटिंग्स अब जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है टीचर वाले मोबाइल पे यहाँ पे आपको मीटिंग सेटिंग्स का ऑप्शन आता है स्टूडेंट वाले मोबाइल पे ये एक ही ऑप्शन है जो नहीं आता है दोस्तों क्यों क्योंकि ऑब्वियसली मीटिंग जो होस्ट कर रहे हैं वो टीचर के मोबाइल से हो रही है एंड स्टूडेंट जो है वो उसको सिर्फ ज्वाइन कर रहे हैं दोस्तों तो अभी फिलहाल हम ये वाला ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि ये मीटिंग सेटिंग्स है अब यहाँ पे एज अ होस्ट ऑफ द मीटिंग और एज यू नो एज अ स्कूल टीचर एज अ क्लासेस टीचर आप क्या कर सकते हो इस मीटिंग को आप लॉक भी कर सकते हो एज़ फॉर सिक्योरिटी पर्पज़ सो ये लॉक मीटिंग में क्या होता है कि सपोज कीजिए कि आपके जो है मतलब यू हैड डिसाइडेड कि आपके एक टेन टू फिफ्टीन स्टूडेंट्स आने चाहिए आपका समझो नाइन टू टेन का लेक्चर है अब वो नौ से दस बजे के लेक्चर में अगर सवाल नौ तो आप चाहते हो कि जितने स्टूडेंट्स आए वही मेरा क्लास अटेंड करेंगे और उसके बाद नहीं कर पाएंगे या सवा नौ तक सारे के सारे बच्चे अंदर आ चुके हैं आपके क्लास में इस मीटिंग में ज्वाइन हो चुके हैं और उसके बाद आप चाहते हो कि कोई और थर्ड पर्सन इसमें अटेंड कर ही ना पाए भले ही उसके पास जो है इस मीटिंग की लिंक हो एंड भले ही उसके पास जो है इस मीटिंग का पासवर्ड भी हो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था दोस्तों ये तो अगर उसके पास ये मैसेज है फिर भी आप चाहते हो कि वो इंसान इस यू you नो know, इस मीटिंग का हिस्सा ना बन पाए इस क्लास का हिस्सा ना बन पाए तो उसको आप कर दो लॉक तो एक सर्टन टाइम के बाद आप इसको लॉक कर दोगे तो इससे क्या हुआ कि अब जब अगर कोई इसमें आना चाहता भी है तो उसको बता देगा दैट दिस रूम इज लॉक्ड एंड दिस इज़ अ रियली गुड सिक्योरिटी फीचर दोस्तों ये काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे आप मीटिंग का टॉपिक ये देख सकते हो ये है फिर प्ले चाइम फॉर एंटर और एग्जिट सो बेसिकली एक नोटिफिकेशन बनना चाहिए एक जीरो एक पता चल जाए कि भाई आपको कि कोई स्टूडेंट एंटर या एग्जिट हो रहा है वो यहाँ पे है जनरल सेटिंग विच इज़ म्यूट ऑन एंट्री और नॉट सो अगर कोई स्टूडेंट अगर एंटर करता है तो उसको डायरेक्टली मैंने म्यूट पे डाल दो दैन शो नेम वैन पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन सो अगर ये अगर आपको चाहिए तो वो भी आप करवा सकते हो और इसको हम कर देते हैं डन अब इसको हमने कर दिया डन अब ये जो है ये है मीटिंग सेटिंग्स फिर यहाँ पे ये एक बढ़िया ऑप्शन है विच इज़ हाइड सेल्फ व्यू आप देख सकते हो जैसे कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा ना कि मेरे ये जो पीछे का जो वीडियो का जो ऑप्शन है ये ये फिलहाल तो नहीं आ रहा क्योंकि वैसे ही मैंने वीडियो को स्टॉप करके रखा है पर चलो हम ये देख लेते हैं इज़ लाइक अब 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 मैंने वीडियो वीडियो को कर दिया है स्टार्ट अब ये स्टार्ट ये हो गया राइट अब यहां पे मैं जैसे ये मोर पे मैं क्लिक करता हूँ फिर आप देख सकते हो मैंने हाइट सेल्फ व्यू कर दिया तो मेरे अपने मोबाइल में जो है यहाँ पे नीचे जो मुझे जो खुद का जो व्यू दिख रहा था वो दिखना बंद हो गया ऑब्वियसली स्टूडेंट के मोबाइल में वो अभी भी नजर आता है दोस्तों अब मैं करता हूँ शो सेल्फ व्यू तो ये मुझे मेरे मोबाइल में ही जो मेरा जो व्यू है वो शो करता है चलो अब हम फिर से स्टॉप कर देते हैं वीडियो को ताकि ज़्यादा ग्लिचेस ना आए सो तो दोस्तों अब ये हम देखते हैं कि ये जो स्टूडेंट वाला जो मोबाइल है इसमें एक स्टूडेंट को क्या फ़ीचर्स मिलते हैं जब वो एक क्लास में एंटर करता है तो यहाँ पे दोस्तों अगेन जैसे सेम आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सब चीज़ें सेम है उसको यहाँ पे ये ऑडियो का ऑप्शन मिलता है ऑन ऑफ करने के लिए फिर यहाँ पे म्यूट का ऑप्शन मिल जाता है म्यूट एंड अनम्यूट फिर यहाँ पे स्टार्ट वीडियो एंड स्टॉप वीडियो सो ऑब्वियसली अभी अगर मैं स्टार्ट स्टार्ट करूँगा तो ये मेरा जो ये जो कैमरा में जो है वो एज अ स्टूडेंट ये मेरा चेहरा बता देगा चलो हम क्लिक कर देते हैं तो देखिए ये अब मैंने कर दिया है एज अ स्टूडेंट इस कैमरा को ऑन और अब आप टीचर के कैमरा पे देख सकते हो कि ये ऑलरेडी वहाँ पर दिख रहा है मेरा स्क्रीन चलो इसे हम वापस कर देते हैं स्टॉप फिर यहाँ पे अगेन एज अ स्टूडेंट मुझे एक ऑप्शन मिलता है शेयर करने के लिए स्क्रीन को तो ये हम कर सकते हैं फिर यहाँ पे मैं खुद भी इन पार्टिसिपेंट्स के ऑप्शन को मैं देख सकता हूँ कि मेरी क्लास में मेरे साथ यू you नो know, मेरे और कौन से कौन से फ्रेंड्स हैं जो इसमें ऐड हुए हैं यहाँ पे ऑब्वियसली मुझे खुद को जो ऑप्शन है वो एज़ ए स्कूल स्टूडेंट मैं अपने कुछ फंक्शंस को देख पाऊँ तो ठीक है ये देखिए स्कूल टीचर वगैरह देखिए ऑलमोस्ट ये कोई फंक्शन यहाँ पे मैं नहीं देख पाता सो so ऑब्वियसली क्योंकि मैं एक पार्टिसिपेंट हूँ तो मुझे कोई ज़्यादा कोई राइट्स नहीं दी जाती मुझे सिर्फ ये दिखता है कि भई मेरे क्लास में और कितने लोग आए हैं मेरे साथ इस क्लास को अटेंड करने के लिए फिर यहाँ पर जैसे मैं मोर पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर चैट का ऑप्शन आता है अगेन अगर मैं यहाँ पर हाई हेलो कुछ भी मैं टाइप करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर टीचर की स्क्रीन पर भी ये नीचे आ गया नोटिफिकेशन एंड यहाँ पे जो है टीचर इसको पढ़ सकते हैं एंड दे कैन इवन रिप्लाई अब यहाँ पे एक चीज़ जो थोड़ी सी एक मिसिंग है जो जूम ऐप में अवेलेबल है आ, वो एक छोटी सी एक चीज़ है आई गेस वो जूम या गूगल मीट में हमने एक जो वीडियो बनाया था उसमें है वो ये है कि हैंड रेस करना तो जब आप हैंड रेस करते हो तो क्या है वो टीचर की स्क्रीन पे नजर आ जाता है तो ठीक है दोस्तों मतलब वो भी वो आने वाले अपडेट्स में हमें वो दिख सकता है क्योंकि वो बाकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो ऐप्स है उसमें है अच्छा फीचर है तो हो सकता है आना चाहिए फिर स्टूडेंट की स्क्रीन पे आपको और एक जो चीज़ दिखती है वो है हेल्प सेक्शन एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एक बहुत बढ़िया बात है कि टीचर का जो टीचर के जो मोबाइल पर है यहाँ पर एंड पे बटन क्लिक करने पर टीचर को मिलते हैं दो ऑप्शन विच इज़ लीव मीटिंग या एंड मीटिंग फॉर एवरी वन एंड स्टूडेंट के स्क्रीन पर एक ही ऑप्शन मिलता है जैसे लीव पे क्लिक किया तो डू यू वॉन्ट टू लीव द मीटिंग तो स्टूडेंट को जो है वो सिर्फ लीव मीटिंग ऑप्शन मिलता है ऑब्वियसली बिकॉज वो होस्ट तो है नहीं तो उस हिसाब से इसको कर सकते हैं और एक चीज़ जो आने वाले अपडेट्स में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जियो मीट एप्लीकेशन से स्पेशली फॉर फॉर दिस यू नो फॉर स्कूल टीचर्स हो या स्टूडेंट्स की बात करें वो एक फीचर जो होना चाहिए वो ये कि डायरेक्टली हम जो है इन क्लासेस को रिकॉर्ड कर पाए क्योंकि दोस्तों वैसे भी अगर इन क्लासेस को अगर हमें रिपीटेड देखना है तो वैसे भी आज अगर हम ऑनलाइन इनको अटेंड कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है अगर वो रिकॉर्डिंग का फीचर भी अंदर आ जाए तो इट शुड बी यू नो लाइक कम्प्लीटली नॉर्मल फॉर जियो मीट टू ब्रिंग दिस फीचर सो दोस्तों ये है ये पूरा वीडियो जियो मीट एप्लीकेशन पे